आपको पता है, जब से मैंने अपना पहला केक बनाया है ना, मतलब मुझे ना केक बनाने का इतना ज़्यादा शौक चढ़ा है और इतनी खुशी होती है ना, मतलब अपने आप से कुछ बनाते हो और वो इतना अच्छा और इतना यम्मी बन जाता है, तो ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और आपको मन करता है कि नहीं यार, ये तो मार्केट में से हम ले लेकर खाते थे, मतलब खरीद खरीद कर, और ये तो हम अपने घर में भी बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू हेल्दी डाइट आरू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सारी रेसिपीज़ को इन्जॉय कर रहे होंगे। आज ना देखो, मैंने सोचा कि हम इस चैनल पर वैसे भी हेल्दी रेसिपीज़ फॉलो करते हैं, अच्छी अच्छी लेस ऑयल और लेस मसाले में हम खाना बनाना प्रेफर करते हैं। इवन अगर हम केक भी बनाते हैं या कोई कुकी भी बनाते हैं, तो उसमें भी हम कोशिश यही करते हैं कि हम उसको हेल्दी ही रखें, क्योंकि अगर हमें अनहेल्दी ही खाना होगा तब तो हम मार्केट से ही लेकर खा सकते हैं ना। सो आज ना मैं बनाने वाली हूँ सूजी का केक। यस, सूजी का केक। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक कटोरी सूजी। तो ये थोड़ी मोटी वाली सूजी थी, जैसे दो तरह की आती है ना, एक मोटी आती है, एक पतली आती है, तो मैंने मोटी वाली थी मेरे पास, तो मैंने मोटी वाली ली है। इसके अलावा मैंने ले लिया है मतलब एक कटोरी से थोड़ा सा कम आप ले सकते हो, या आधा कप भी ले सकते हो, जैगरी पाउडर। जैगरी पाउडर की जगह आप जो गुड़ है, गुड़ का, अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ का सिरप बना के डाल सकते हो। आप डालने को तो आप शुगर भी डाल सकते हो, बट हम इसमें शुगर क्यों ही डालें, क्योंकि हमें इसको हेल्दी ही बनाना है। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा, ये जो था बॉयल्ड दूध था, लेकिन ये गर्म नहीं था, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर था, और इसको डालकर और मैं इसको अच्छे से व्हिप कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि जो गुड़ में जो थोड़ा बहुत जो चंक्स थे ना, मतलब गुड़ के, तो वो सारे जो हैं वो सारे मेल्ट हो जाएं, है ना, वो डिसॉल्व हो जाएं। तो आप धीरे धीरे दूध डाल के, वैसे तो इसमें प्रॉपर पूरा जो लगा था वो एक कटोरी ही मिल्क लगा था, तो आप इसको अच्छे से चलाकर और विस्क करके और बहुत अच्छे से इसको बस ढककर साइड में रख दो 10 से 15 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि सूजी ना धीरे धीरे करके फूलेगी और ये बैटर जो होगा वो आपका गाढ़ा हो जाएगा। तो ये बैटर जो है वो गाढ़ा हो चुका है, और चूंकि ये सूजी जो थी वो मोटी वाली थी, तो इसलिए ना मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ और करूँगी डिफरेंट, तो वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर मैंने डाल दिया 1/4 कप यह है मिल्क पाउडर, तो अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, इससे थोड़ा सा टेस्ट अलग सा आ जाता है। और ये था मेरे पास 1/4 कप ही मैंने डाला है कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर मेरे पास जो था वो केसर पिस्ता वाला था, तो अगर आपके पास वनीला है या कोई और है तो आप वो भी डाल सकते हो, और अगर कस्टर्ड नहीं है तो आप कस्टर्ड जो कंडेंस्ड मिल्क होता है ना, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसको हम अच्छे से चला देंगे। इसको बनाना ना बहुत आसान है, और चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी जो सूजी थी ना वो थोड़ी मोटी वाली थी, तो इसका ना मैं पेस्ट बनाना चाह रही हूँ, मतलब बिल्कुल पतला सा, जिससे कि हमारा जो केक है ना वो अच्छे से फूल कर तैयार हो। तो बस मैंने इसको मिक्सी में करके और उसको अच्छे से हम चला लेंगे, मतलब मिक्सी को, और इसको जो बिल्कुल बारीक सा पेस्ट सा बना लेंगे, और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से कुछ होगी। अगर आपका मतलब थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट है ना, तो आप इसमें थोड़ा सा वही दूध डाल के आप इसको थोड़ा सा, इसकी कंसिस्टेंसी देखो, इस रनिंग सी कंसिस्टेंसी में, मतलब बहुत ज़्यादा रनिंग भी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा वैसी भी नहीं रखनी है, मतलब टाइट। इसमें मैंने डाल दिया 1 teaspoon बेकिंग पाउडर और 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये दोनों ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं है आपके पास इनो है, तो आप 1 teaspoon ही इनो भी डाल सकते हो, और यहाँ मेरे पास थोड़ी सी टूटी फ्रूटी रखी हुई थी तो मैंने वो भी डाल दी, और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बनाना ना बहुत आसान है, और जब से मैंने केक बनाना मतलब स्टार्ट किया है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब शौक में बना लेती, तो मतलब मुझे इतना यम यम और इतना मज़ा आने लगा है ना कि झट से बन जाता है यार, क्या मतलब। और यहाँ पर मेरे पास ये टिन था, ये पड़ा था इस शेप का, तो इसको पहले अच्छे से आप ग्रीस कर लेना किसी भी ऑयल से या फिर घी से, ऑयल बस फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, और उसके बाद बस अपना बैटर इसमें डाल देना, टैप टैप करना, और अगर आपके पास टूटी फ्रूटी हैं तो आप वो डाल सकते हो, अदरवाइज आपके पास कोई ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप चॉप चॉप करके डाल दो, जो है ना वो डाल दो, नहीं भी है तब भी, ऐसे भी इतना अच्छा लगेगा ना, यम यम। और यहाँ आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हो और कुकर में भी बना सकते हो, बट एज यूजुअल मेरे पास कढ़ाई के लिए ऊपर ढकने का ना कोई ऐसा सिस्टम बनता नहीं है, तो मैंने इसको कुकर में, और ये पहले से ही नमक पड़ा हुआ था, इसको मैं बेकिंग में यूज करती हूँ उस नमक को, और उसके ऊपर या तो आप कोई भी स्टैंड रख दो या फिर कोई भी कटोरी टाइप का रख के, और मतलब आप जो अपना मोल्ड है ना वो आप उसके ऊपर रख दो, और बस 20 से 30 मिनट बाद आप देखोगे वाओ, आपका केक बनकर हो गया तैयार, और जो खुशी मिलती है ना सीरियसली बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप या तो टूथपिक से या फिर आप नाइफ से डालकर एक बार चेक कर लेना कि आपका केक चिपक तो नहीं रहा है, अगर वो चिपक रहा है तो आप इसको दोबारा से ढक्कन लगा देना और फिर थोड़ा सा वेट करना, उसके बाद निकालना, और केयरफुल रहना जब आप इसको निकालो, क्योंकि ये गर्म होता है तो हाथ वाथ जलने का डर रहता है, तो बहुत आराम से केयरफुली इसको अच्छे से निकालना और इसको ढक के ठंडा होने के लिए रख देना, एकदम जल्दबाजी मत मचाना कि नहीं एकदम से निकालना है उसको, है ना। तो ये ठंडा हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा
ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ नॉर्मल थोड़ा टेम्परेचर इसका नॉर्मल हो गया था, तो मैंने इसको बस टैप टैप करके और निकाल लिया। और इसको मतलब ये इतना ईजी हो जाता है ना निकालने में, अगर आप उसको ग्रीस कर दो या फिर मतलब जो आपका मोल्ड है वो आप उसको ग्रीस कर दो या फिर आप उस पर बटर पेपर लगा दो। और इसकी जाली भी इतनी अच्छी बनकर आई है ना, जैसे आपने देखा भी होगा अभी, है ना। और इसको आप जब नाइफ से काटें तो आप ऐसा नाइफ लें जिसमें थोड़े से वो होते हैं ना शार्प शार्प से निकले होते हैं, उससे अच्छा केक कटता है और वाओ मज़ा ही आ जाता है। अब तो मतलब अब तो मैं ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भी कोई भी मेरे घर ओकेजन होगा ना तो मैं घर में ही बनाऊंगी केक, मैं बाहर से लाना प्रेफर ही नहीं करूंगी। ऑल दो जब हम घर पे बना रहे हैं तो इसलिए क्यों ना इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाया जाए, तो इसलिए मैं जैगरी पाउडर का यूज़ करती हूँ। बट अगर आपके पास नहीं है या फिर आप चाह रहे हो कि ठीक है तो आप शुगर भी डाल सकते हो और इसके हम सिंपल सिंपल पीसेस काट लेंगे और इतना अच्छा बनाया ना, इतना स्पॉन्जी स्पॉन्जी टाइप का। और थोड़ा सा ये अभी गर्म है बट फिर भी मैंने काट दिया, मेरा खाने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो आई होप आपको ये इजी सा जो केक है ना वो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे साथ बने रहना। मैं मिलूंगी अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।